नमस्कार, मैं विजेंद्र जांगड़ा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पिवानिया पर। आज क्लास प्लस टू से यूनिट फोर्थ जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इम्पोर्टेंट टॉपिक एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, कैपेसिटर ओनली एंड रजिस्टर ओनली, और उसके साथ साथ LCR सीरीज सर्किट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो करेंगे। तो तीनों चारों टॉपिक जो है वन बाय वन अलग अलग वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स के इंतजार में रहूंगा। और आज हम इस वीडियो में करेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। टॉपिक्स में मेन जो कंसेप्ट है वो है वोल्टेज और करंट में क्या फेज रिलेशनशिप होती है, क्लियर। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा, इससे पहले हमने सेकंड यूनिट पढ़ी करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां हमने सर्किट जितने भी यूज किए उनमें डीसी सप्लाई थी, और डीसी सप्लाई में रेजिस्टेंस यूज करके हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं रेजिस्टेंस को वेरी करके। तो यहाँ फोर्थ यूनिट में हम ऑल्टरनेटिंग करंट्स को स्टडी कर रहे हैं। तो एसी सर्किट्स के लिए मैं बताना चाहूंगा थ्री मेन एलिमेंट्स होते हैं, ये थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एसी सर्किट होते हैं जिनसे करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, करंट को रिड्यूस कर सकते हैं। और वो तीन कौन कौन से एलिमेंट हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ठीक है। तीनों एलिमेंट से हम एसी सर्किट में करंट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सर्किट बनाता हूँ जिसमें सिर्फ ओमिक रेजिस्टेंस है और इसमें सप्लाई हमने दे रखी है एसी, ठीक है। तो ये मान लिया करंट, इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट आई फ्लो कर रहा है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जो अप्लाई करी उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैं लिख रहा हूँ E=E0sin ωt, यानी कि टी टाइम पे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू है ये इक्वेशन। और साइनोसोइडल वेरिएशन होती है एसी में, तो इसलिए ये हमने हार्मोनिक फंक्शन के द्वारा लिखा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ E=E0sin ωt, जहां पे ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम 2 पाई न्यू भी लिख सकते हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी हो जाएगा, ई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड E0 इज द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, क्लियर। तो आप देखिए यहाँ पे जब ये वोल्टेज हमने ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई कर दी इस रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस इस सर्किट में, तो हम करंट फाइंड आउट करना चाहेंगे। यहाँ पे साइन का जो आर्गुमेंट होता है, ये एंगल वाली जो टर्म होती है ये बताती है फेज, ठीक है। तो करंट के लिए भी हम यहाँ ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए इस तरह की इक्वेशन फाइंड आउट कर दें और उसमें जो साइन आएगा उसका आर्गुमेंट इसके आर्गुमेंट के साथ कंपेयर करके बता पाएंगे कि दोनों के बीच फेज डिफरेंस क्या है। तो देखिए जनरल फार्मूला बाय ओम्स लॉ, क्योंकि यहाँ सिर्फ रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस पे ओम्स लॉ अप्लाई होगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट जो है वो लिखा जा सकता है E/R, क्लियर। तो E की वैल्यू हमने रखी E0 sin ωt/R। तो यहाँ पे E0/R ओम्स लॉ से ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस ये क्या आना चाहिए, करंट आना चाहिए। कौन सा करंट, E0 क्या है पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, तो ये भी क्या होना चाहिए पीक वैल्यू ऑफ करंट E0/R0 डिनोटेड बाय I0, इसको क्या कह दिया पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। कब होगा ये, जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम वैल्यू प्लस 1 दे देता है उस केस में I becomes equal to E0/R, that is मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगी, उसको हम पीक वैल्यू I0 सिंपल देते हैं। तो यहां से ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इंस्टेंटेनियस करंट I becomes equal to E0/R को मैंने लिख दिया I0 और आगे ज्यों का त्यों साइन ओमेगा टी। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई I=I0 sin ωt, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इक्वेशन लेके चले थे, करंट के लिए हमने फाइंड आउट कर दी, दोनों में साइन के आर्गुमेंट या एंगल वाली टर्म कंपेयर करें तो हम पाते हैं ये
यहाँ पे भी ओमेगा टी, यहाँ पे भी ओमेगा टी, तो फेज डिफरेंस कितना आ गया? जीरो। ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट इज जीरो इन केस ऑफ एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। क्लियर, यहाँ हमने पाया दोनों सेम फेज में है, कोई लीड नहीं कर रहा ना ही लैग बिहाइंड है, दोनों सेम फेज में है। इसको अगर कर्व से दिखाएं तो देखिए इस तरह से दिखा पाएंगे, साइन इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रखा है तो साइन कर्व से आ जाएगा। इधर मैंने वाई एक्सिस लॉन्ग ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ या ऑल्टरनेटिंग करंट को दिखाया और ये टाइम के साथ वेरिएशन है, टाइम मैंने लिया एक्स एक्सिस की लॉन्ग, पी की वैल्यू जो है ईएमएफ की आ गई है जिसको हमने कहा है ई नॉट। ठीक है, और करंट के लिए दिखाना चाहूं तो करंट की पीक वैल्यू क्या थी, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर, सो आई नॉट लेस देन ई नॉट। तो ये मैं डॉटेड करके ये करंट के लिए साइन कर्व ड्रा कर रहा हूं और मैंने करंट की पीक वैल्यू ईएमएफ की पीक वैल्यू से कम रखी है। ये तो अल्टरनेटिव ईएमएफ के लिए कराओ, ये डॉटेड वाली करंट के लिए। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो है ये हमने बताई आई नॉट, और आई नॉट जो है वो लेस देन ई नॉट रहेगी, इसलिए मैंने इस तरह को नीचे रखा पीक वैल्यू को। क्लियर, और जब हमने फेज इनमें देखा है सेम फेज में आए हैं, मतलब फेज डिफरेंस जीरो है, तो वोल्टेज और करंट दोनों कैसे हैं, सेम फेज में, ई एंड आई आर इन सेम फेज। इसका मतलब ये हो गया कि सेम टाइम पे वो दोनों मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा यानी जो इसकी पीक वैल्यू आई नॉट, और करंट के लिए बात करें तो आई नॉट, वोल्टेज के लिए बात करें तो ई नॉट, सेम टाइम पे वो मैक्सिमा और मिनिमा मैच कर रहे हैं। सेम टाइम पे जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम है, उसी टाइम पे जब वोल्टेज मिनिमम है जीरो तो सेम टाइम पे करंट भी जीरो है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कोई टाइम डिफरेंस नहीं है, टाइम का लैगिंग नहीं है, सेम वेरिएशन है करंट की वोल्टेज के साथ किसी भी इंस्टेंट पे देखें। अगर इसी चीज को मैं फेजर में दिखाना चाहूँ, फेजर क्या होते हैं, वोल्टेज और करंट दोनों स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इनका फेज दिखाने के लिए जिन फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं वो कहलाते हैं फेजर। ठीक है, तो फेजर का यूज करके इनके बीच फेज दिखाना चाहें वो डायग्राम ही कहलाएगा फेजर डायग्राम। तो देखिए फेजर डायग्राम क्या आएगा, अगर मैं यहां बात करूं फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम रहेगा इसके लिए फेजर डायग्राम। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए इक्वेशन लेके चले थे तो मैंने उसके लिए फेजर ड्रा कर दिया, किसी एरो से ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए एंगल बना रहा है इस एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी था, तो ये एक तरह से थीटा है, एंगल है, ये बना दिया वोल्टेज के फेजर ने एक्स एक्सिस के साथ, और हमने ये पाया कि करंट जो है वो सेम फेज में आता है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, क्योंकि करंट की इक्वेशन भी ऐसे ही आ गई थी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये रही इक्वेशन, तो सेम फेज है, तो इस करंट का फेजर भी इस वोल्टेज के फेजर के ऊपर ही आएगा। तो ये मैंने फेजर दिखा दिया करंट के लिए। ठीक है, दूसरा एरो हेड करंट के लिए, ये वाला वोल्टेज के लिए, दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, मींस बोथ आर इन सेम फेज, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, तो बिल्कुल आसान, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से ये टॉपिक कर पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एसी सर्किट